हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिवई का उपमा बनाना सिखा रही हूँ। सिवई का उपमा एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है और जनरली सबको पसंद आता है। तो आप देखें, इसके लिए मैंने इसको बनाने के लिए क्या क्या सामग्री ली है। ये देखिए, ये मेरा सिवई है, एक बाउल सिवई है। ये मेरा नारियल का बूरा मैंने दूध में भिगो के रखा है। मूँगफली के दाने हैं। इसके बाद छोंक के लिए तेल है, राई दाना, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, नमक, चीनी, दो तीन हरी मिर्च कटी हुई, ये आपका करी पत्ता है, प्याज, एक मीडियम आकार का प्याज कटा हुआ, धनिया कटी हुई, पानी और बाद में डालने के लिए नींबू। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालेंगे। सबसे पहले राई दाना डाला है, उसके बाद फिर मैंने जीरा डाला है, उसके बाद हरी मिर्च डाली है। अब प्याज जो है इसमें प्याज अच्छी तरह से भूनना है। प्याज ब्राउन होने तक भूनेंगे पहले। इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। थोड़ी देर भूनने देंगे। अब इसके बाद हम इसमें सिवई डालेंगे। मैंने मूंगफली के दाने भुने हुए लिए थे, इसलिए मैंने इसको ज्यादा देर नहीं भुना है। तो हम अच्छी तरह से ब्राउन होने तक सिवई भून लेंगे। ये जो है वो भून गया है, सिवई मेरी अच्छी तरह से भून गई। अब मैं इसमें गरी जो मैंने भिगो के रखी थी दूध में वो डाल दूंगी। इसके बाद इसमें नमक और थोड़ी सी चीनी डाल के इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको ढक के थोड़ी देर पकाना होगा। तो दोस्तों, ये मेरा सिवई का उपमा बनके तैयार है और ये एक बढ़िया वाला ब्रेकफास्ट है। थोड़ा खट्टा मीठा होता है टेस्ट में, तो बच्चे भी शायद से पसंद करेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।